हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नवरसन पंजाबी कबूतर में आप सब लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे है एक जंगली कबूतर, ठीक है। और ये क्यों है, इसका भी वजह बताएंगे वीडियो बनाने की। तो भाई, अब से लगभग 1.5-2 महीने पहले एक कबूतर हमारे घर की बैठक में पंखे में आ गया था और उसका बाजू कट गया था, ठीक है। ये उसके जोड़े का कबूतर है, देखो फिर इधर आ रहा है और ये दिखाते हैं। ये लगभग 1.5 महीने से हमारे पास है, ये कबूतर देखो लास्ट में चल रहा है। और ये देखो इसके जोड़े का कबूतर इसके पीछे पीछे आ रहा है। तो भाई, हमने काफ़ी खून निकल रहा था इसके बाद से, हमने इसकी काफ़ी केयर करी जितना हमसे हो सकता था। देखो भाई, आ गया इसके जोड़े का ये, ठीक है। ये काफ़ी ज़ोर लगा रहा, लेकिन कबूतर अपने एक बाजू से अपाइज हो चुका है बिल्कुल भी। ये हमें तो मादी नहीं लगती है, ठीक है। और बहुत सियान करता है, चुपता भी नहीं है घर में, ठीक है। हमारे सामने नहीं चुपता, मतलब कमरे का गेट लगा देते हैं। दाना पानी हम रात को स्पेशल इसी की वजह से दाना पानी रखते हैं, जिससे बाहर निकले और चुगे और अपना पेट भरता रहे। तो भाई, हमने इसे अपने कबूतरों में डाल लिया परमानेंटली, और जब तक इसकी ज़िंदगी है चलता रहेगा भाई ऐसे ही। और भाई, ये हमारा शौक है, देखें आप, ये हमारा जो कबूतरों का सेटअप है भाई, ये अपना सेटअप है। इधर हमारे ब्रीडिंग वाले कबूतर भी हैं कमरे में, और पट्ठे पड़े रहते हैं कुछ, मादी ने डाल देते हैं। और इधर हमारे जितने भी हों मेल हैं जाल में, ठीक है। आगे अभी ये धूप जाल आ गई, अभी बनाया हमने जल्दी में, ठीक है भाई। तो हम यही मैसेज देना चाहते हैं, देखो वो जंगली कबूतर अपने जोड़े की पहचान कर रहा, लगा हुआ उसके साथ, और उसे किसी और कबूतर से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये वो कबूतर है स्क्रीन पे, इधर ये कबूतर जाल के पास, ये अपने कबूतर को ले जाना चाहता अपने साथ, लेकिन कबूतर मजबूर है। कबूतर भी काफ़ी कोशिश कर रहा है, और ये कबूतर कई बार देखो इधर नीचे हमारे घर में भी गिर चुका है, इधर जाता इधर से और ग्रिल में को निकल जाता, कूद जाता। तो मैं ग्रिल की तरफ ही खड़ा हूँ जिससे कबूतर ना गिरे। तो भाई देखो, हम भी आप सब लोगों को यही बताना चाहते हैं यार, देखो परिंदा है और बहुत मासूम परिंदा होता है ये। अगर हम इसका शौक़ कर रहे हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम इनका ध्यान रखें अच्छे तरीके से। और भाई, ये नहीं कि पलेरू कबूतरों का ही जो हम पालते हैं, जंगली कबूतरों का भी ध्यान रखें। आगे गर्मियों का टाइम है, अपनी छतों पे पानी रखें, जो कबूतरबाज भाई हैं बाद में, और जो कबूतरबाज भाई भी नहीं है वो भी, भैया परिंदे हैं, चिड़िए हैं, कबूतर हैं, गर्मी में परेशान हो जाते हैं, पानी नहीं मिलता सबके लिए, पानी रखें और सबका ध्यान रखें, ठीक है। तो हम फिर कहते हैं आपसे भाई, कबूतरबाजी प्यार मोहब्बत का शौक है, प्यार मोहब्बत से करें भाई इसे, ठीक है। दोस्तों, दिखाते हैं आपको, देखो अभी ये कबूतर मैं गेट खोलूँगा, बस इस चक्कर में है कि गेट खुले और मैं अंदर चला जाऊँ, ठीक है भाई। और मैं जैसे ही गेट खोलूँगा ये ऐसे ही अंदर चला जाएगा, ठीक है। और देखो कितने ज़ोर लगा रहा है करीब, लेकिन मजबूर है। देखो भाई, हम भी कुछ नहीं कर सकते, कई कबूतर तो हमने गेट खोल दिया, देखो ऐसे ऐसे हमने ठीक करके, उन्हें प्लास्टर लगा के, नीचे सपोर्ट लगा के, ऊपर सपोर्ट लगा के, बाजू में स्टेचिंग करके उनको उड़ाया, देखो ये कबूतर अंदर चला गया स्टेचिंग करके। दूसरा कबूतर डर रहा है, देखो ये चला गया कबूतर, ठीक है। ये हमारे घर में ही रहते हैं नीचे, खंभे पर बैठ गया ये कबूतर हमारे घर में ही रहते हैं नीचे, हमने टोकरी टांगी हुई है इनके लिए, ठीक है भाई। तो ठीक है भाई, काफ़ी कबूतर हमने ठीक करके उड़ाए भी हैं बाद में, जब ठीक हो जाते हैं 15-20 दिन हम अपने अंदर रख लेते हैं। हमारे आस पड़ोस मोहल्ले वाले भी, कोई भी मेंबर है वो हमारे यहाँ छोड़ जाते हैं कबूतर, ठीक है भाई। ये चला गया इधर, और परमानेंट जो इसकी जगह है वही जगह है, ठीक है भाई। ये कोने में बैठ जाता अपने, दाना चुपता और अंदर कोने में, ठीक है भाई। दिखाते हैं आपको अगर दिखता, ठीक है भाई। ये रहा कबूतर, ये देखें आप, ठीक है, ये ऐसे बैठ रहा था इस कोने में, हमारे सामने चुकता भी नहीं है ये, और 1.5 महीने से लगभग ज़्यादा हो गया। तो देखें भाई, वो जंगली कबूतर है हमारे हाथ में, जो अभी हम आपको वीडियो में दिखा रहे थे, ठीक है भाई। ये इसका देखो, ये कुंदा कटा हुआ है, ठीक है। ये देखो चोट भी, अगर ये गिर गया था नीचे भी, तो चोट भी हल्की सी थी, जख्म ऐसे ही है इसका, ठीक है। काफ़ी ज़ोर लगाता है, और इधर का पर ठीक है इसका, ठीक है, जोर लगा रहा है, छोड़ देते हैं इसे, काफ़ी परेशान है, ठीक है भाई। क्या भाई, देखो अगर जंगली कबूतर को हम हाथ में लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा सहन करता है, और कभी कभी तो इतने ज़ोर लगा देता है कि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है,
ठीक है भाई। तो ठीक है भाई, इसी के साथ आप सभी लोगों से हमारी दरख्वास्त है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल।